लिंडी ना आ रहे हो? लिंडी अरे सतीश कौन साहब नानक पाल जी साहब महावीर प्रधान से सरपंच गांव के छोटे हो भाई भाई पूरे देश के पहलवान यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी खुशी और गर्व की बात है ठुकर गांव के लिए और इस गांव गांव के लिए क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है ये, क्योंकि इतना अच्छा आयोजन कुश्ती के भलाई के लिए कुश्ती पहलवान ने किया है और माफी सरपंच जी को पगड़ी और मोमेंटो देकर जो गांव की तरफ से कमेटी की तरफ से सम्मान किया जा रहा है, हम धन्यवाद करते हैं माफी सरपंच साहब का जो अपनी नेक कमाई से 5100 रुपए का सहयोग किया है, हम शुक्रगुजार हैं आपके। और 17 गांव प्रधान और अजय आपके जिले का गुजर और सब इनकी खुशियां करें।
पेट्टू मंदिर विधायक डॉक्टर उदित मुखर्जी अलका बाबू जी, मैं निवेदन करूंगा सभी कमेटी के साथी मान सम्मान के साथ लेकर जाएंगे। आपके बेटा आपका बड़ा विधायक युवा कलम के अंतर्गत डॉक्टर उदित मुखर्जी जी पैरों को जो एक नंबर की कुश्ती है वो लगातार लगाशी और अगर कुश्ती जल्दी पैरों में खुदते पुलिस तो मचाने कुश्ती है दोनों ने पैरों में के बीच में बड़ा ही अच्छा मुकाबला है और भी खुदते नहीं पाए तभी इनके पास है भाई बोलूं बोलूं पैरों में खुदते पट्टा को मिली तो और दो मिनट का
एक बार पहले हम लोग को संदेश देंगे आपके लाडले विधायक डॉक्टर कुलदीप मौर्जी। बहुत ही आदर सम्मान के योग है मेरे बादल क्षेत्र की भूमिका तुलने में बुजुर्गो, मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो भाई हैं अपने चाचा तऊ को, अपने भाइयों को, सबको राम राम करता हूँ। क्योंकि जान के चक्कर इसलिए हो रहा है कि आपकी भाइयों को आपकी कुश्ती में कसर पड़ता है। आज मैं मिंटू पहलवान और मस्तु भाई को और सारे साथियों को, पूरी टीम को बधाई देता हूँ जो इतना अच्छा दंगल का आयोजन किया। मैं बधाई देता हूँ और सभी पहलवानों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हमारे इस इलाके के, इस पूरे प्रदेश के, देश के जितने खिलाड़ी, वो हमारे पूरे देश में, पूरे गवर्नमेंट का आलोचन करें और घुटन की वो धरती है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया। हमारे छोटे भाई भद्र पहलवान जी ने, भाई चाहिए नरेंद्र पहलवान जी, जिनसे पहले लीला पहलवान जी भी थे, अजय पहलवान जी भी थे और सारे हमारे साथियों ने जो हमारे गांव का, हमारे इलाके का नाम रोशन किया। मैं आप लोगों से भी विनती करता हूँ कि आप भी हमारे इस गांव का भी, क्षेत्र का भी, प्रदेश का भी नाम रोशन करें। मेरी भाई से रुकिए भाई, रुकिए एक बार, मेरे भाई मस्तु भाई से बात भी होगी है, मेरा सहयोग उन्हें पता है और भाई और भी जो सहयोग ने मेरी ड्यूटी लगाई भाई, मैंने वो स्वीकार कर लिया। और जो खाने के लिए जो ग्रांट की बात थी भाई, वो भी इसकी पूरी करेंगे। और जो इन्हें पता है समय समय पर उनकी, क्योंकि मेरा अपना खाना है, मेरा अपना घर है, मेरी तरफ से जो मेरी ड्यूटी लगाई वो मैंने स्वीकार है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी, विधायक जी, आपने जो खेलों के प्रति इतना अच्छा संबोधन किया और पहलवानों को बहुत खुशी की बात है। देखिए इतना अच्छा जो सहयोग किया, हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर कुलदीप जी का, आपके बेटे का, जो हमेशा आपके बीच में रहते हैं, चाहे कोई दुख की बात हो, चाहे समाज की भलाई की बात हो, हमेशा डॉक्टर कुलदीप जी हल्का बादली, ऐतिहासिक हल्का जो पूरे प्रदेश में गिना जाता है, अपना कीमती समय दिया और दोनों ही केसरी पहलवानों को आशीर्वाद देकर सभी पहलवानों को एक शुभ संदेश दिया। धन्यवाद डॉक्टर कुलदीप जी का और साथ में प्रदीप खेरा जी, डीवी सरपंच जी, सोमन ठेकेदार जी, कृष्ण ठेकेदार जी, अजीत सरपंच जी, ईश्वर भट्ट जी, सभी का हम शुक्रगुजार हैं जो आपने लगातार इतना अच्छा आयोजन कराने का, मस्तु पहलवानों ने कार्य किया। सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं सबके लिए। और कितनी कुश्तियां भाई, एक बार ध्यानपूर्वक सुने भाई, ये जितने भी पहलवान बाहर खड़े भाई, ये सारे के नाम से गौरव है भाई। ये जो राउंड में दंगल में जो कुश्तियां चल रही थी, इसके बाद की थी कोला काशी और अजय गुजर की कुश्ती होगी भाई, को हाथ निकलवा जाए भाई भाई, और इसके अलावा कोई भी नहीं हाथ निकलवा जाए भाई। भाई ज्यादा दंगल में ना घूमे साथियों, बिगाड़ कर रहे भाई, अजय गुजर कोला काशी आ
अंकित है और ये दोनों ही पहलवान भाई यही की सौंपी पावला मिट्टी शासन की अंकित पहलवान और दूसरा चिराग पहलवान भोजन के लिए दोनों अंकित चिराग की सभी पहलवानों जो बड़ा आज की कुश्ती का समय है
मेरे खाने से बाहर आ जाए भाई, देखो भीड़ ना बनाए, एक अर्थव्यवस्था बना के रखे, क्योंकि दर्शक हमारे लगातार दो पैर से बड़ा कुश्ती बांध ले रहे हैं और इसमें देश के जो मम्मी पहलवानों के बीच में मुकाबला है उसके साथ साथ हमारे बीच में नवीन पहलवान इंद्रकेशरी दूसरी कुश्ती जीत चुके हैं बोली पहलवान, बहुत ही अच्छे मुकाबले, बहुत अच्छी कुश्ती दर्शकों, ये देश के उभरते हुए पहलवानों के बीच में मुकाबला है। भाई बैठ जाओ ना, कहते भाई साहब है कि मंच के सामने बैठिए भाई साहब प्लीज, बैठा दे कमेंट डाल साथी बैठा दे, बैठ जाओ भाई बार भाई बैठ जाओ प्लीज बैठिए भाई, खड़ा जाओ बैठ जाओ मंच खड़ा जाओ, भाई सची मार भाई नंबर के पहलवान अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं, सची मारकपुर से एक बार अपने साथी के साथ मंच पर जोर दी नरेंद्र खाड़ा रानी सासी यह पहली की सारे कुश्ती है बहुत खुशी की बात है, नमता दिया भाई सभी पहलवान, आप पहले नंबर के पहलवान वार्म अप हो गए, अखाड़े की दूरी में पहुंच जाएंगे आप पहले नंबर के जबलपुर मोटर साइकिल पर, दर्शकों पहली कुश्ती जो होगी अपने दो मामलियों के लिए लगते हैं, अरे करुणी ने उसके साथ साथ देश के जो उभरते हुए पहलवानों के बीच में मुकाबला बहुत ही ऐतिहासिक होना है, दर्शकों आपने देखा होगा लगातार आप इस क्षेत्र में बड़े बड़े दंगल होते हैं लेकिन वस्तु पहलवानों ने ऐतिहासिक दंगल कराने का कार्य किया है पूरे खुटन गांव के सहयोग से और सभी दानवीर साथियों के सहयोग से, बहुत ही बड़ा कुश्ती खेल को बढ़ावा देने के लिए देश का सफल खिलाड़ी जो बदल पहलवान आपके बेटे ने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, उस ऐतिहासिक टाइम हो गया कुश्ती का टाइम हो गया कुश्ती के बड़े साल का, आपने देश के पहलवानों के बड़ी दिन का दौरा खड़ा हो चढ़ी अरुण मामोली एक नंबर जो कुश्ती के मुकाबले होंगे वो जल्दी आए पहलवान जो पंडित और कुश्ती चल रही है मोनू पहलवान नीवली और साहिल पहलवान चल रही है खड़ा, बहुत ही गांव वतंदी जोगिंदर खड़ा और मोनू है मोटा खड़ा लाल ठाकुर भाई कैसे माफ हो जी भाई आज एक नंबर के पहलवान तैयार हो जल्दी जल्दी आ जाए पहला तैयार हो जाएगा भाई योगी शाबाश शाबाश
किसान आंदोलन में जो लगातार 70-72 दिन से आपके किसान बैठे हुए हैं, तो उसमें जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद जी सभी का। और इतना अच्छा आयोजन क्योंकि ये सभी किसान के बेटे हैं, और आज बहुत खुशी और गर्व की बात है इस प्रकार के आयोजन में जो हमारे सहयोगी के रूप में रहे सज्जन कोच मंदोला जी का, जोगेंद्र पहलवान जी का, और नानक पाल जी हमारे नांदौर से हमारे बीच में है, संजय कोच बामडोला, जोगेंद्र जी काशली, और हमारे सतीश जी सासरौली, राकेश जी मांडोटी, सभी ऑफिसियल साहिबानों का, दर्शकों का, और विशेषकर अखाड़ा संचालक जितने भी हमारे बीच में पहुंचे, धन्यवाद करते हैं हम। बजरंग व्यायाम सारा जो पहलवान जी ने प्लीज उठा दो दे भाई, पहली कुश्ती के पहलवान पर नहीं भाई उठो रे, परवीन धोला और अजय गुजर, आप भी आ जाओ, दोनों कुश्तियों को आशीर्वाद दिलवा बचत हो जाएगी, चारों पहलवान प्रवीण एक साथ कुश्तियां चलेगी, प्रवीण प्रवीण पहलवान भाई, जिन सम्मानित व्यक्तियों से आशीर्वाद दिलवाना है प्रवीण, और बुलाओ जी बुलाओ एक बार पहलवान बुलाओ, आप लेके आओ बुलाओ जी बुलाते हैं भाई, उठ ले भाई पहलवान आ रहे तेरे भाई, चारों पहलवान आ जाए भाई, उठो ये प्लीज, पहले कुश्ती के पहलवान भी आ जाए भाई, ग्राउंड में खाली कर दो कति, और कुश्तियों को आने मिलो भाई, बोला काजनी अजय गुजर स्वरूप और रितेश भाई, बार बार जनता से अनुरोध है कि शांति बनाए रखे, निवेदन करूंगा इन पहलवानों को आशीर्वाद देंगे हमारे बीच में महान शख्सियत, अरे भगवान पूनिया जी जो कि बजरंग पूनिया जी के भली भांति परिचित है, पहलवान पूनिया जी, साथ में हमारे सुरेंद्र नाडा जी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, और नवीन पहलवान हिंद केसरी जहांगीरपुर, इस जो ऐतिहासिक मुकाबले होंगे, और हरेंद्र पूनिया जी भी साथ में जाएंगे, और गांव के सरपंच है हमारे दिनेश जी, उनके परम पूज्य पिताजी जी, और हमारे 17 गांव के प्रधान नवरत्न जी खूटन भाई, पहले कुश्ती के पहलवान के जंगल में आ जाए, इकट्ठा आशीर्वाद दिलवा जाएगा पहलवान परवीन और अजय गुजर, आपसे भी प्रार्थना है, दोनों पहलवान बहुत अच्छे पहलवान हो, समझदार हो, आप आवाज सुन रहे हो तो दंगल के बीच में आ जाए, देखिए तो देश के नामी पहलवान हितेश पहलवान, कई बार के हिंद केसरी, धर्मवीर पहलवान जी के भांजा भाई पहलवान है, मैं दूसरी ये पहली एक जैसी हितेश पहलवान, हितेश पहलवान गोहाना के पास मोहम्मदपुर गांव है पहलवान का, और बामडोली धर्मवीर अखाड़ा में अभ्यास करते हैं, पहलवान जी को आप जानते होंगे, कई बार के भारत केसरी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और रेलवे में कार्यरत है, दूसरी तरफ स्वरूप पहलवान गुड़गावा के पास मऊलोकरी गांव है, और सोनू अखाड़ा मांडोठी में पहलवान अभ्यास करते हैं, ये भी भारत केसरी का खिताब जीत चुके हैं, हरियाणा केसरी रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, आपके बीच में बड़ी तगड़ी कुश्ती होगी, आज के दंगल के ये चार पहलवान हैं जो जिस हिसाब से ये कमेटी के सदस्य इनाम देंगे वो तो इनने बता रखी होगी, इसको चाहे पहली मानो चाहे दूसरी, अच्छे पहलवान है चारों, करो भाई शुरू करो, बहुत अच्छा भाई, सभी जन यहाँ पर उपस्थित जितनी भी जनता से रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज शांति बनाए रखें और आराम से बैठकर कुश्ती का आनंद लें भाई, जो बुल्ट कुश्ती के इनाम है, इनाम कुश्ती के इनाम बुल्ट मोटरसाइकिल है, उसी के ऊपर है दोनों कुश्तियां, ये पहली कुश्ती ही है ये, और मैं रेफरियों से निवेदन करूंगा कि एक साथी कोई भी कुश्ती का निर्णय ले,
ताकि सब में कोई ऐसा ना। जोगेंद्र जी और आप नानकपाल जी, आप कोच का कार्य करेंगे, दो ही कोच रहेंगे। नानकपाल जी, नानकपाल अंतर्राष्ट्रीय कोच, हमारे जोगेंद्र जी अखाड़ा संचालक कलानोर, आभार में पूर्ण लग रहे जी। वो बुला लो, थोड़ा देर का टाइम है, कुश्ती जनता देखना चाहेगी दोनों कुश्तियों को, इसलिए दोनों की शुरुआत करा दो जी। हाँ, तैयार है दोनों ही पहलवान। भोला पहलवान पहुंच चुके हैं, अजय गुजर और पहलवान पहलवान अमित, प्लीज अपने साथ एक बार माइक माहौल को देखते हुए आप भी समझे। अमित पहलवान जो अपने 7 लाख के आसनी गांव से हैं भाई, ये अखाड़ा संचालक जो मिंटू पहलवान और प्रवीण है, वो इस अखाड़े में उनको सम्मानित करना चाहते हैं। अपने इलाके के बड़े अच्छे पहलवान रहे हैं प्रवीण, मैं निवेदन करूंगा प्रवीण पहलवान आप टंगल के बीच में आ जाए। अमित पहलवान, अमित पहलवान, अमित, अमित जी बहुत ही सेना में कार्यरत हैं सूबेदार के पद पे, और बहुत ही गांव का नाम रोशन किया है। भोला पहलवान के बड़े भाई हैं अमित पहलवान, जो कि थानेदार दिलबाग सिंह के सपुत्र, गाँव काशनी। और ये मुकाबला दर्शकों जो आपके बीच में चल पड़े, जो लंबे कद का पहलवान है, भारी भरकम, कई बार का हिंद केसरी है और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भी है, और रेलवे में कार्यरत है हितेश पहलवान, जो सोनीपत के पास गांव मोहम्मदपुर गांव है और द्रम्बीर अखाड़ा बाम डोली में कुश्ती का अभ्यास करता है, और जो दूसरी तरफ लाल जालिया में पहलवान है। मोदी साहब, कुश्ती के लिए 10 मिनट का टाइम निर्धारित किया गया कमेटी ने भाई। स्वरूप पहलवान गांव मऊ लोकरी, हरियाणा केसरी पहलवान और हिंद केसरी सोनू अखाड़ा में कुश्ती का अभ्यास करता, दोनों ही देश के मंझे हुए पहलवान हैं। एक बार सभी भारत माता की, दूसरा जोड़ा जो पहले नंबर का है अजय पहलवान, लाखूवास सोना के पास गांव है, बहुत ही उभरता हुआ देश का नामी पहलवान है, और दूसरी तरफ आपका बेटा, आपके क्षेत्र का नाम रोशन करने वाला हिंद केसरी अंतर पहलवान, पंजाब से आए हुए पहलवानों को आशीर्वाद देंगे, साथ में डॉक्टर रामचंद्र जी और प्रजेश पहलवान इंटरनेशनल के पिताजी भूप सिंह जी खूटन से इन पहलवानों को शुभ आशीर्वाद देंगे। मैं निवेदन करूंगा, भोला पहलवान पहुंच चुका है, अजय पहलवान से भी नम्र निवेदन है, आप भी अखाड़े में पहुंचने का कार्य करें ताकि समय की बचत हो। साहब, हमारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, गांव के बुजुर्ग स्टेज पे नीचे सारे दंगल में आ जाएंगे। हाँ जी, गांव के जितने हमारे बुजुर्गों हैं, हमारे लिए भी एक बार पहलवानों को आशीर्वाद देंगे, सभी से नम्र निवेदन है, आप भी जाएं। जितने हमारे गांव के बुजुर्ग आदमी स्टेज पे हैं, नीचे है दंगल में, सारे आ जाएं एक बार। प्रेम पहलवान जी, लुक्का बैठोगे अलग जी? प्रेम पहलवान जी, सभी जाओ जी। मोदी साहब, टाइम का भी सही ध्यान रखें, 5 मिनट का समय बाकी है भाई कुश्ती का। और एक बात हो के भाई पहलवान अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, बहुत दूर दूर तक पहलवान आए हैं, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय रोहिल पहलवान जयपुर जी, अपने पास के काम का है तो लेट हो गया था। आज ये रोहिल पहलवान जयपुर और प्रेस पहलवान आज खेड़ी चट पर लेट हो गया था, आज खराब खराब बहुत अच्छी गवान का पहलवान है, किसी को भी निराश नहीं किया। सबसे अच्छी बात ही दंगल की भाई, सबसे अच्छी बात ही दंगल की ये है, एक भी पहलवान जो नहीं लड़ना चाहता उसकी तो मर्जी भाई, ना किसी को नहीं छोड़ा। ये हमारे भाई पुत्र है, ये देखो सम्मान कर रहे हैं। अजय पहलवान, अजय पहलवान ना खोसा गया था तो बोल आ जा भाई, तुम आ जाओ भाई, आ जाए अजय पहलवान। बहुत ही दर्शकों, आपने हमारे पास शब्द नहीं, आप लोगों को अच्छा पहलवान, पंजाब रुस्त में कई बार के मिट्टी के शेर जिसको कहते हैं लोग, ये थोड़ी गर्दन में चोट के कारण
कुश्ती नहीं कर सके। अगली बार अगर दंगल हुआ तो दस साल वाले कुश्ती जरूर होगी। फिर तू लू कथ बोले हो तू बड़ा रखी बैठ जाओ जस्से पहलवान का मस्तू पहलवान 31,000 और एक गुरु से सम्मान। पंजाब से हमारा इतना बड़ा पहलवान दंगल की छोबिया बढ़ाई है, बहुत ही नामी पहलवान है, दर्शकों बहुत बड़ा नाम है। बोला पहलवान हमारे पास के गांव का जी, हाँ बोला काशनी, बोला पहलवान काशनी बढ़िया पहलवान है, बिल्कुल एक नंबर का, बहुत बढ़िया। अभी अभी सीनियर मान में कैच में गोल्ड मेडल दिया भाई, स्वागत किया जा रहा है जस्सा पट्टी पहलवान हिंद केसरी पंजाब पे रुस्तम, पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है जस्सा पट्टी पहलवान ने, जो कि एक शक्ति का प्रतीक कमेटी की तरफ से। भाई ये ध्यान दे भाई, ये जो हमारे गांव के युवा बच्चे हैं ये जस्सा पट्टी जी का पहलवान जी का सम्मान कर रहे हैं, इसलिए उठे हैं कोच साहब कृपया करके शांति बनाए रखें। कोच करू जी उस्ताद आ रहे हो सारे अंदर बुला, नाम याद नहीं जाता मेरा, ठीक है जी मैं बुलाता हूं। संजय कोच साहब है, शास्त्री जी है, संता थोड़ा बुला जब नाम लेगा, शांति बनाए रखे। ये हमारे गाँव के युवा साथी है, ये हमारे पहलवान जस्सा पट्टी जी का सम्मान कर रहे हैं इसलिए उठे हैं। भाई युवा दिलों की धड़कन भाई जस्सा पट्टी एक नंबर के पहलवान पहुंच चुके हैं भाई, वार्म अप है, तैयार है, कुश्ती लड़ने के लायक है बिल्कुल, बहुत अच्छा मुकाबला होगा दोनों के बीच में। कोच साहब कुश्ती का टाइम पूरा हो चुका है, गलवा तो जी बराबर ये कुश्ती भाई, कोच साहब कुश्ती का टाइम तो पूरा हो चुका है। सुरेश कृष्ण पहलवान फुटन बहुत ही अपने समय के अच्छे पहलवान रहे, युधिष्ठ पहलवान कृष्ण पहलवान, युधिष्ठ पहलवान ने 11,000 रुपए का सहयोग किया है। भाई एक नंबर की कुश्ती मैदान खाली है और पहलवानों को आशीर्वाद दे रहे हैं भूप सिंह जी, रामचंद्र जी और जस्सा पट्टी पहलवान जी। यहाँ मंच के आ जाए सब, यहाँ खड़ा संचालक कोची साहिबान जी, सारे आगे बुला लो, जाए आपके आगे आगे प्रणाली बुला लो, तुम आ जाओ इधर, आ जाओ तुम इधर, देर हो जाए, खाड़े को खाली भाई, खाड़ा खाली है भाई, इन खाड़े खाली कर दो, सारे बार चलो, बहुत अच्छा मुकाबला होगा दर्शकों देखना, बुलेट मोटरसाइकिल के लिए दो हिंद केसरियों की टक्कर, मामली दोनों ही पहलवान प्रवीण आ जाए भाई, प्रवीण बाढ़ आ जा भाई, बाढ़ आ जा, ये एक हंड नहीं बैठ जाओ थोड़ी बार कुश्ती देख लेने दो, कमेटी वाले साथियों से निवेदन है आप भी एक बार बैठ के कुश्ती देख लो भाई, ना भाई बहुत ऐतिहासिक नजारा आज खुटन गांव में, इतना बड़ी संख्या में पहले नंबर की कुश्ती दर्शकों, ये भाई आज के दंगल की पहले नंबर की कुश्ती है जिसका इनाम बुलेट मोटरसाइकिल है। अब नाम सुन लो, ये अजय पहलवान लाखू गांव है, लाखूवासी अजय पहलवान लाखूवास, हाँ जी सोना अखाड़ा में अभ्यास करते हैं, इंदर अखाड़ा सोना में अभ्यास करते हैं, और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं हिंदुस्तान के मट्टी के दंगला में तहलका मचा रखा है, बड़ी टॉप का टॉप है मट्टी के दंगला की, बहुत अच्छे पहलवान है अजय पहलवान, अजय गुज्जर से जाने जाते हैं पहलवानों में। दूसरी तरफ आपके साथ लगते कासनी गांव से परवीन उर्फ बोला, जिसको लाड से बोला कहते हो, परवीन नाम है पहलवान का, और कैप्टन चांद्रू पखाड़ा दिल्ली में अभ्यास करते हैं, भगत सिंह अकेडमी रोहतक में पहलवान आजकल रहते हैं, रिक्वेस्ट है कि एक बार और 10 मिनट के लिए बैठकर कुश्ती का आनंद ले भाई, कई बार के अंतरराष्ट्रीय पहलवान है और इब चमचमाता हुआ मेडल पूरे हिंदुस्तान के अंदर 92 किलो में अपने वजन का सितार रहा है, गोल्ड मेडल जीत के लिए आए प्रवीण पहलवान,
अपने इस इलाके के लिए, इस प्रदेश के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये एक बार तालियां बजा दे सारे, बैठ के आराम से कुश्ती देख ले। और अखाड़ा संचालक जितने भाई बैठ जाओ भाई, जनता से रिक्वेस्ट है भाई एक बार बैठ जाओ भाई नीचे भाई साहब। एक टाइम कुश्ती का 15 मिनट, लास्ट कुश्ती बच रही है, सभी को आनंद लेने दो भाई कुश्ती का। घड़ी देख लो भाई, 15 मिनट कुश्ती का टाइम है। जब तक आपने चांदना रहोगा ना, जब तक कुश्ती चलेगी 15 देख ले एक बार। दर्शकों, हमारे अखाड़ा संचालक कोच साहब संजय कोच बांडोला जी, जो मोटा कोच अखाड़ा लाडपुर में कुश्ती अभ्यास कराते हैं, उनका स्वागत किया गया। पवन शास्त्री जी और जस्सा पट्टी जी, यहाँ सभी अखाड़ा संचालकों का मस्तू पहलवान जी स्वागत कर रहे हैं भाई। एक बार ये जनता प्लीज बैठ जाओ। बोली पहलवान खुदन, समय कितना दिया जी नानक पाल जी? जोगिंदर जी बड़ा बोली 15 मिनट है कुछ सब, 15 मिनट का समय है। दर्शकों एक बार ताड़िया मारो जोरदार दोनों पहलवानों के लिए, देख लिया। बहुत ही ऐतिहासिक मुकाबला है ये, और अखाड़ा संचालक बोली पहलवान मंच के सामने आ जाए भाई, बुला रहे हैं भाई। जो दोनों पैरों में निकब डाले हुए अजय पहलवान, और दूसरी तरफ लाल जांगिया में नीलू अखाड़ा लाडपुर की गाड़ी जाने के लिए तैयार खड़ी है भाई जी। वो जा वो पहलवान है, वो वापूच है भाई गाड़ी के पास। हमारे अखाड़ा कोची साहिबान सतीश जी आए, एक बार आपका भी सम्मान साथ साथ हो जाएगा। सतपाल जी त्रिपड़ी आ जाए, तेरी कुश्ती अड़े देखेंगे, अड़ा आ जाए। बहुत ही अच्छा पहलवान तैयार किया सतपाल जी ने, अंकित पहलवान। और उसके साथ साथ सभी अखाड़ा संचालकों का भी यहाँ पगड़ी और पैसे देकर सम्मानित कर रहे हैं मस्तू पहलवान जी, प्रवीण जी। और दर्शकों आज का ऐतिहासिक दंगल, आपने जो बहुत बड़ा सहयोग किया, मैं ये कहूंगा इतनी शांति से इस प्रकार के आयोजन पंजाब में होते हैं, जो दर्शक बड़ी शांति से बैठ जाते हैं, तो उसके साथ साथ आयोजक जो हमारे मस्तू पहलवान ने सभी पहलवानों को, मैं ये कहूंगा बड़े ही दावे के साथ कहूंगा इस बात के लिए, क्योंकि हम भी दंगलों में रहते हैं, व्यवस्था के कारण कई बार दंगल खराब हो जाते हैं, लेकिन कराने वाले की अगर नीयत अच्छी हो तो इस प्रकार के सफल आयोजन होते हैं। और आज ये सबसे सफल आयोजन कहा जाएगा। इसमें देश के जो उभरते हुए नामी पहलवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, और दूसरा मस्तू पहलवान ने जो पहले दंगल में थोड़ी बहुत गलती हो गई, लेकिन अब की बार बड़ी अच्छी टीम बनाई है। हमारे सज्जन कोच जी मंदोला से, जो कि दादरी से, और हमारे नानक पाल जी अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं नारनौल से, और हमारे जोगिंद्र पहलवान जी जो कलानौर से, और हमारे सतीश सासरौली जी, और सभी अरुण दुबे जी जो लगातार एक हमारा कुश्ती का बहुत बड़ा नाम है। अरुण दुबे जी ऑल इंडिया रिपोर्टर हैं, और सोनू कोच शास्त्रीय अखाड़ा में जो कुश्ती अभ्यास कराता है युधिष्ठिर पहलवान खुटन, उनका सम्मान करेंगे। वो एक बार आए भाई सोनू जी, और राकेश जी हमारा मारवाड़ी थे उनका भी, जो कि सतपाल पहलवान जी जो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं उनके भाई हैं। और हम सभी साथियों का निवेदन करते हैं, जो आज की व्यवस्था आपने देखी सबसे ऐतिहासिक क्षण है ये कुश्ती के लिए। ब्रजेश पहलवान स्टेज पर आए, ब्रजेश अंतर्राष्ट्रीय ब्रजेश पहलवान खुदन। और साथियों बूट मोटरसाइकिल दिखा है आपका बेटा बजरंग पूनिया विदेश में है, आपकी दंगल की शोभा जरूर बढ़ाता, लेकिन उसके परम पूजनीय पिताजी लगातार दो पैर से, और उनके भाई इस दंगल के आयोजन में बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि जो एकेडमी का यह संचालन कर रहे हैं मस्तू पहलवान अंतर्राष्ट्रीय भारत रत्न
पद्मश्री अर्जुन अवार्ड बजरंग पुनिया जी के परम पूज्य पिताजी बलवान पुनिया जी हमारे बीच में हैं और उनके भाई। बहुत ही खुशी की बात, हमने इस प्रकार के आयोजन में जो इतना अच्छा सहयोग किया हरेंद्र पुनिया जी का भी और समस्त खूटड़ गांव का और क्षेत्र के जो गांव के साथियों ने और दूर दूर से दर्शक इस आयोजन की शोभा बढ़ाई, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अगर कोई जाने अनजाने में गलती हो तो माफ करना। और कुकड़ पहलवान हमारे बहुत ही कुश्ती प्रेमी और ये हमारे सोनू जी युधिष्ठिर पहलवान सम्मान कर रहे हैं सोनू कोच, और मेरा सम्मान भी कर रहे हैं युधिष्ठिर भाई मोटा कोच का भी। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई युधिष्ठिर का जो आपने इतना मान सम्मान जोगेंद्र पहलवान जी कासड़ी जो भाई अपने गांव के खाड़े में इसमें बजरंग खाड़े में कोचिज है भाई जोगेंद्र पहलवान कासड़ी खाए जोगेंद्र पहलवान कासड़ी जो अपने बजरंग खाड़े में अभ्यास करते हैं बच्चों का उन्हें कासड़ी गांव से है। भाई कुश्ती का आधा समय दिए हुए समय से आधा समय बीत चुका है, आप ये मोबाइल मोबाइल लाइक सारी लाइक चसा दो, कुश्ती लंबी भी चलवा देंगे कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ के शांति से देखी जाइयो। इस लाइट में थोड़ी सी एक इंच डाउन कर ले शायद हड़ा का चुंदा लागे है। स्टेडियम के प्रशिक्षक का कार्य कर रहे हैं इंद्र केसरी नरेंद्र पहलवान जी खुटन उनको सम्मानित कर रहे हैं, कमेटी की तरफ से भी जय भी कोच साहब का सम्मान कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं सभी कोची साहिबानों का जो आपने इतना समय दिया और इस और नरेंद्र पहलवान का इंद्र केसरी पूरी कमेटी सम्मान करेगी। नानक पाल जी कितना समय हो चुका है कुश्ती में, 5 मिनट का समय बीत चुका है, 10 मिनट का समय शेष है। नहीं जी 5 बकाया है। अच्छा 10 मिनट हो चुकी है दोनों पहलवानों के बीच में, 5 मिनट का शेष। देखो अंधेरा हो चुका है क्योंकि समय का अभाव था और पहलवानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसमें देश के जो एक बार दर्शकों तालियां मारते था पहलवानों में जोश आ जा, भारत माता की, भाई पहलवानों जोश दिखाएं, अपनी कला का प्रदर्शन करें क्योंकि हमारे दर्शक आपकी कुश्ती को आर पार देखना चाहते हैं। एक तरफ है भोला पहलवान काशनी और दूसरी तरफ है अजय गुजर लखुवास। बहुत अच्छा बुल्ट मोटरसाइकिल की जो कीमत आपने सबने पता है, ये बुल्ट मोटरसाइकिल का मुकाबला मारो तालियां एक बार जोरदार तालियां, बहुत अच्छा मुकाबला, बहुत ही ऐतिहासिक कुश्ती क्योंकि देश के दो महाबलियों के बीच में टक्कर है ये। आज ऐतिहासिक दिन है, मस्तू पहलवान जी ने जो इतना बड़ा आयोजन किया, नरेंद्र पहलवान इंद्र केसरी का कमेटी के सभी साथी स्वागत कर रहे हैं, सदर कोच मंदोला जी का भी पगड़ी बांध कर सम्मान कर रहे हैं। हमारे सदर कोच साहब का हम
तहे दिल से शुक्रगुजार करेंगे जो आपकी एक निर्णायक कमेटी में आपका हमेशा सिलेक्शन कमेटी में बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हरियाणा प्रदेश में कोई भी कर्नल हो, सदर कोच मंदोला जी का हम शुक्रगुजार हैं जो आपने इतनी अच्छी व्यवस्था, उसके साथ साथ जोगेंद्र पहलवान जी कलानौर और हमारे अंतर्राष्ट्रीय सर्विसेज मेडलिस्ट नानक पाल कोच नानौर जी हमारे बीच में, क्योंकि मस्तू पहलवान ने बिल्कुल निर्णायक दंगल कराने का कार्य किया पहली बार, इतना अच्छा आयोजन, दूसरा विशाल दंगल, सभी ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का, समाज सेवी संस्थाओं का, दानवीर साथियों का, बड़े ही शांति से जैसे ही दंगल खत्म हो आपका रास्ता बड़ा ही अच्छा, क्योंकि दूर दूर तक हमारे खिलाड़ी आए हैं, सभी ने बड़ा अच्छा सहयोग किया, धन्यवाद करते हैं हम बजरंग पूनिया व्यायामशाला की ऐतिहासिक भूमि पर, और धन्यवाद करते हैं हम मस्तू पहलवान और पूनम पहलवान का जो अपने कई दिनों से मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया। भाई दूर दराज से आए हुए पहलवानों के लिए पहलवान मिंटू और पहलवान परवीन जो इस अखाड़ा के संचालक हैं उनकी तरफ से ऐसा संदेश मिला है, किसी भी साथी को पहलवान को दूर जाने में दिक्कत ना होनी चाहिए, यहाँ रुकने का भोजन की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बाहर से आए हुए पहलवान रात को रुक सकते हैं। इन दोनों जो अखाड़ा संचालक हैं प्रवीण पहलवान और मिंटू पहलवान, उनकी तरफ से ये पहलवानों को संदेश है। और इसी कड़ी में एक पहलवानों के लिए शुभ सूचना भाई, कल 4 फरवरी को हलालपुर गांव में वजनों की कुश्ती है मैच पे 86 केजी के, 74 केजी के और 60 केजी के पहलवानों के बीच में, और महिला पहलवानों के बीच में भी वहां मुकाबला है, स्वर्गीय धर्मवीर पहलवान जी की याद में ओलंपियन 4 फरवरी को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष में सोमवीर दैया जी इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस आयोजक साथी है, वहाँ सभी पहलवानों और दर्शकों के लिए खुशखबरी है ये, मैच पे कुश्ती अगर किसी लड़नी हो तो वहाँ पे पहलवान अपना वजन देंगे, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक वजन होगा। कुश्ती का 3 मिनट समय बकाया है भाई, 3 मिनट पहलवान ध्यान से सुन ले, 12 मिनट का समय बीत चुका है क्योंकि देश के दोनों ही नामी पहलवानों के बीच में मुकाबला, उसके साथ साथ मैं सबसे बड़ी तारीफ करूंगा हमारे दर्शकों की, क्योंकि जिस खेल में दर्शक नहीं उस खेल में आनंद नहीं आता, और दर्शकों की हाजिरी इस खेल का गवाह है। अब बहुत ही ऐतिहासिक दंगल होने को जा रहा है संपन्न, सिर्फ 3 मिनट का शेष, धन्यवाद करते हैं हम सभी दर्शकों का, धन्यवाद करते हैं खूटन गांव की सरदारी का, धन्यवाद करते हैं क्षेत्र का भाई विकास पहलवान, राकेश पहलवान से मिले विकास पहलवान स्टेज के पास, मांडोठी राकेश पहलवान मांडोठी से मिले, बड़े ही ऐतिहासिक कार्य है ये, दोनों पहलवान बड़ा मुकाबला फंस गया भाई, जो काले निकम डाले अजय गुजर लाखूवास गांव, बहुत ही उभरता हुआ देश का सितार खिलाड़ी है, जो जस्सा पट्टी के साथ भी कई बार कुश्ती हो चुकी, और भोला पहलवान भी अब करंट में जो 92 केजी में सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल देश के लिए दिया है, और खूटन गांव की जो ऐतिहासिक भूमि बख्तार पहलवान जी, लीला पहलवान जी, वजीर पहलवान जी,
दो नरेंद्र पहलवान 2100 रुपए नरेंद्र दलाल जी भाई के सभी पहलवान गाड़ी के पास पहुंच जाए और सोनी कोच के जो पहलवान है बबरे पहलवान जी खुटन बहुत ही ऐतिहासिक नाम है अजीत प्रधान जी और युधिष्ठिर पहलवान ने और बबरे चेयरमैन जी ने 11,000 रुपए का सहयोग किया है। बहुत ही एक मिनट का समय शेष है मानिकपाल जी, एक मिनट का है जी, एक मिनट का शेष। दर्शकों एक बार भारत माता की जय जवान जय जवान, सभी का धन्यवाद। लेकिन भाई टाइम आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप बैठ के देखना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आओगे, टाइम बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा मुकाबला, खुडन गांव और आसपास के दूर दराज से जितने दर्शक आए हैं आप बधाई के पात्र हैं कि इतने लेट तक दंगल चल रहा है और आप शांति से बैठ के देख रहे हैं, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। कुश्ती का छोड़ दो भाई, दिया हुआ समय 15 मिनट समाप्त हो गया, अगर आप ठीक समझते हो तो कुश्ती का टाइम बढ़ा दे। अमित घोषणा सचिन कोच साहब बुला रहे हैं भाई, 5 मिनट कुश्ती का टाइम और बढ़ा दिया कमेटी के लिए। भाई दर्शक चल पड़े पहलवान जी, कोई मजा नहीं, अब तो बराबरी भी कर दो। भाई रामचंद्र सुबाना जी, भाई दोनों पहलवान की बराबर